हैं जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर कौन था और कहां से आया था? आज सास बहु और बेटियां में हम आपको उसी सिकंदर से मिला रहे हैं। सीरियल पोरस में हो गई है ग्रीस के मशहूर योद्धा राजा सिकंदर उर्फ अलेक्जेंडर की एंट्री। मैंने सीखा कि आधी जंग नाम से जीत ली जाती है, इंसान चला जाता है और रह जाता है तो बस नाम। और इस किरदार को निभा रहे हैं अभिनेता रोहित पुरोहित, जिन्होंने अपने आप को अलेक्जेंडर के रूप में ठान लिया है। इनकी हरी हरी आंखें हैं, गोल्डन गोल्डन बाल हैं और तराशा हुआ बदन है, लेकिन इस लुक और स्टाइल को पाने के लिए ये जिम में करते हैं कड़ी मेहनत, करते हैं स्विमिंग एक्सरसाइज और करते हैं डाइट फॉलो। लेकिन रियल लाइफ में रोहित कैसे हैं भाई, कैसी होती है उनकी मॉर्निंग, क्या है उनकी हॉबीज, क्या आप जानते हैं कि वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं और गिटार बजाते हैं? सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वही उम्र भर, रहूंगा बस वही उम्र भर। और यही सब जानने की कोशिश कर रहा है सास बहु और बेटियां आज डे आउट करके रोहित पुरोहित के साथ। कैसे होती है रोहित की मॉर्निंग दोपहर, कितने संस्कारी है वो, कौन है उनकी फैमिली में, कैसा है उनका घर, कैसा होता है उनका पूरा रूटीन, ये जानने के लिए सुबह सुबह हम रोहित पुरोहित के घर पहुंचे और बजाई उनके घर की घंटी। कम गाइस, वेलकम टू माय प्लेस एंड मैं हूं रोहित पुरोहित एंड मैं आज अपना पूरा दिन सास बहु और बेटियां के साथ बिताने वाला हूं। तो आप लोग देखेंगे कि मैं सुबह उठकर क्या करता हूँ और जिम जाने से पहले क्या खाता हूँ, जिम के बाद क्या खाता हूँ, हाउ डू आई वर्कआउट, तो आज सब आप वो लोग देखने वाले हैं एंड चलो स्टार्ट करते हैं। जयपुर के रहने वाले रोहित मुंबई में अकेले रहते हैं, लेकिन सीरियल पोरस में ये अलेक्जेंडर का किरदार निभा रहे हैं, इसलिए इनकी लाइफ है बड़ी ही डिसिप्लिन। ये सुबह सुबह उठकर करते हैं अपना वर्कआउट और उसके बाद कैसा होता है उनका दिन, आइए जानते हैं रोहित से। तो सीधा चलते हैं रोहित की बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में, क्योंकि रोहित अपनी मॉर्निंग की शुरुआत स्विमिंग पूल से करते हैं। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो हम लोग थोड़ा सा जो है स्विमिंग का मजा लेते हैं, तो मैं अंदर जाता हूं और आप लोग बाहर से देख के अपने आप को टीज करेंगे। वैसे स्विमिंग पूल में रोहित देखिए कैसे मस्ती भी कर रहे हैं, भाई अलेक्जेंडर पर्दे पर क्रूर हो लेकिन रियल लाइफ में रोहित बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं और पानी के साथ कर रहे हैं मस्तियाँ। मेरी आयु बहुत रेड हो गई होगी क्योंकि पानी में थोड़ा सा क्लोरीन होता है। स्विमिंग करते करते ही अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश के मौसम के साथ साथ स्विमिंग का मजा हो गया दुगना। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये बारिश की बूंदे मेरे दिल को ढूंढे। आज मुझे लिरिक्स इसके बिल्कुल याद है। ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी, बॉडी बनाई इसलिए कि आप बेयर बॉडी में आने में कोई आपको वो नहीं हो, नहीं बट जोक्स अपार्ट, बॉडी बनाना नहीं बनाना तो यार एक काम का एक पार्ट है, लेकिन बॉडी हो या नहीं हो आई वुड गिव यू वन एडवाइस कि इतना अच्छा मौसम है गाइस, जहाँ पे भी स्विमिंग पूल मिले, बारिश हो रही हो, जस्ट गो आउट एंड हैव फन जैसा कि मैंने किया एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। यार स्विमिंग मैंने ऑलमोस्ट 3-4 महीने के बाद की है एंड मुझे बहुत मज़ा आया इस बारिश के अंदर स्विमिंग करना, वो भी पूरा स्विमिंग पूल जब खाली हो। आई थिंक ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया। जैसा आपने देखा हमने कुछ अंडर वाटर स्विमिंग भी की और कुछ बेसिक स्ट्रोक और भी बहुत कुछ। आई थिंक आई एम वेरी वेरी टायर्ड। स्विमिंग के बाद रोहित घर पहुंचते हैं और सबसे पहले लेते हैं भगवान का आशीर्वाद, यानी दिन की शुरुआत भगवान की पूजा के साथ। तो मैं बाहर जाने से पहले सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ता हूँ और उसके बाद ही निकलता हूँ। अब देखते हैं कि रोहित अपना नाश्ता कैसे करते हैं। मैं जिम के लिए निकलूं लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं जिम से पहले खाता हूँ लाइक प्री वर्कआउट के लिए, तो आइए थोड़ा सा बनाते हैं, कोशिश करते हैं। अरे
भाई अपना नाश्ता खुद बताते हैं और इनका नाश्ता भी बहुत ही हेल्दी होता है। उसको सबसे पहले खाता हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं बॉडी के लिए, और जो एसेंशियल शुगर होती है वो भी आपको फ्रूट से मिल जाती है। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे ओट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उदय है, ही इज़ माय हेल्प, और ये मुझे हेल्प करता है हर चीज़ के लिए, सारा मेरा ध्यान ये रखता है जब मम्मी और नहीं है। सो थैंक यू उदय, जितना भी आप मेरा ध्यान रखते हो उसके लिए। और अब हम ओट्स बनाने वाले हैं। रोहित आज नाश्ते में बना रहे हैं ओट्स और साथ साथ खा रहे हैं फ्रूट्स, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है इनका नाश्ता। और मुझे 7-8 साल हो गए अकेले रहते, कुछ टाइम पहले उदय आया, तो मम्मी अब तो आपकी याद थोड़ी सी कम आती है, लेकिन हाँ उसके आने से पहले मैं खुद ही कुक करता था, तो इनिशियली डेफिनेटली याद आती थी, लेकिन सिर्फ खाने के लिए नहीं यार, मम्मी एक्चुअली ये घर में जब मैंने घर लिया तब मम्मी साथ में थी और ऑलमोस्ट 1 महीना वो रहकर गई, तो उसके बाद उनकी याद एक्चुअली हर जगह पर है, तो सिर्फ किचन में नहीं पूरे घर में उनकी बहुत याद आती है। अब बारी है जानने की रोहित का हिडन टैलेंट क्या है, और हिडन टैलेंट है कि वो गिटार बजाने के बहुत शौकीन है और बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए उनके ये सुर। मुझे इश्क करने से अब कोई भी ना रुक सकता, ओ हरे स्टेज शोज। अब सब कुछ छूट गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि कभी कभी थोड़ी सी हमिंग कर लो। अगर रोहित एक्टर न होते तो सिंगर होते? सिंगिंग मेरा फर्स्ट लव है और मुझे बहुत पीस मिलता है सिंगिंग से, बचपन से लेकर गा रहा हूँ। अब तो गाना एक्चुअली कम कर दिया क्योंकि अब दूसरे बहुत काम में रहते हैं, लेकिन हाँ बाथरूम सिंगिंग अभी भी चालू है। नाश्ते के बाद बारी है थोड़ी टाइम पास की, जरा देखिए तो रोहित ने अपने घर पे ये निशानेबाजी का अड्डा बना हुआ है, तो कुछ ऐसी टाइम पास की चीजें हैं जिससे मैं अपना टाइम स्पेंड करता रहता हूँ, तो ये उनमें से एक है। मजा आता है, कुछ फ्रेंड्स घर पर आते हैं तो हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं, तो ये बहुत ही क्विकली आपके जितने भी आपके कॉम्पिटिशन होते हैं ये सब इसमें निकल के आए थे, हम लोग गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें। भाई सिकंदर है तो एक निशानेबाजी भी परफेक्ट होनी चाहिए। थोड़े से इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा तो आई थिंक सब बीच में एक टाइम था जब लगते थे। यूं तो रोहित बैचलर है लेकिन इनका घर बड़े ही करीने और साफ सुथरे तरीके से रखा हुआ है। इतना बड़ा मेरा होने का सबसे पहला रीजन तो यह है कि मैं एक्टर हूँ, तो एक्टर्स को आदत होती है कि थोड़ा सा कुछ मिरर सामने हो और बहुत सारी चीज़ें हो और थोड़ा सा स्पेस और बढ़ जाता है, मुझे थोड़ा सा खुला खुला रहने की आदत है, तो इतना बड़ा मिरर लगाने से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लाइक अपने आप को देख सकता हूँ जब भी आते जाते, थोड़ा सा स्पेस भी बड़ा हो जाता है, तो मैंने सिर्फ ये मिरर इससे लगाया कि हाँ कभी शौक हुआ और कभी डांस करना हुआ तो तब भी काम आ जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है जब मैं जिम नहीं जा पाता हूँ, सो आई वर्कआउट एट होम, तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत हेल्प करता है ये मिरर, सो सिर्फ इसीलिए। आइए तो फिर हमारा मेरा जो है रूम वो अभी देख लेते हैं, मुझे खुला खुला पसंद है, आई टोल्ड यू, तो इसलिए सब चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें हैं, लाइक एक सिंगल पेंटिंग एंड दिस इज़ माय फेवरेट वॉल, ये एक और वॉल है जो बाहर से मिलती जुलती है लेकिन बाहर थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट है, दिस वॉल इज़ लिटिल कलरफुल, इसमें भी जितने कोट्स हैं सबसे मैं रिलेट करता हूँ, एंड स्पेशली ये क्योंकि मैं बहुत पहले एक टाइम था जब आई यूज़ टू हैव लेट मॉर्निंग्स, तो उसके लिए मैंने ये सब चीज़ें रखी है। टुडे इज़ द डे आई आस्क सो मैनी वाइज, सो दिस वाई राइज एंड शाइन बी हैप्पी ड्राइव्स क्रेजी, एंड आई थिंक दिस वन इज़ माई फेवरेट, इसलिए इसको मैंने बीच में लगाया, इट्स नॉट जस्ट अ डे ड्रीम इफ़ यू डिसाइड टू मेक इट योर लाइफ, ब्यूटिफुल व्यू जिसके लिए शायद आई चूज दिस हाउस। ये व्यू है, आई एज आई सेड आई लव ग्रीनरी और
लिविंग रूम से जितनी भी ग्रीनरी दिख रही थी उससे भी ज़्यादा यहाँ पर दिखती है, एंड व्हेन इट रेन्स तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। और इसी ग्रीनरी के चक्कर में मैंने ये जो पेंटिंग लगाई अपने बेड के पीछे, इसमें भी काफ़ी ग्रीनरी है, लैंडस्केप है। तो अब देखते हैं रोहित की अलमारी में क्या है। अरे भाई, इनके पास तो टी शर्ट का बहुत सारा कलेक्शन है। इसमें बहुत सामान तो नहीं पड़ा है जो हमारे दूसरे रूम में है वो, बट ये कुछ कपड़े हैं यार, कुछ लॉन्ड्री पर हैं शायद, ये सब हैं मोस्टली आई वेयर ब्लैक्स एंड वाइट्स, सो ये सब कुछ है जीन्स। मैं इसलिए बताऊँ, दिख तो सब कलर्स हैं ये, लेकिन जब भी कहीं जाने की बात होती है कुछ भी होती है, सो आई एंड अप वेयरिंग ब्लैक एंड वाइट, वाइट तो ये ही पहनता हूँ। एंड ये है, एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दिस थिंग टू मी, दिस इज़ माई कैमरा। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि टेरेस पर जाकर करूँ, एंड रोहित को कैप्स पहनने का बहुत शौक है, और टीवी का ये हैंडसम मुंडा काफी स्टाइलिश है। कुछ जैकेट्स हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस, आई हैड अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स, एंड आई यूज्ड टू गेट ऑब्सेस्ड सीइंग परफ्यूम्स, बट थोड़ा सा अभी मैं माइंड हो गया हूँ, एंड आई एम कीपिंग फ्यू परफ्यूम्स हियर। And yeah, yeah, headphones. I love headphones. These are the caps. Caps पहनता हूँ। When you have long hair, so मैं बहुत ही lazy हूँ उनको style करने के लिए, क्योंकि कहीं भी जाते हो तो जब आपके बाल इतने लंबे होते हैं तो उनको style करने में बहुत time लगता है, और इतना time मेरे पास होता नहीं है, so इसलिए मैंने इतनी सारी caps ला के रखी हुई है, ताकि मैं कहीं पर भी जाना हूँ तो मैं उठूँ, निकलूँ, नहाऊँ, एंड wear a cap and just leave. अब घूमते हैं रोहित के घर को, भाई आखिर क्या खास है इनके घर में और क्या कहता है इनका घर। एक बहुत अच्छा व्यू भी यहाँ से हमको मिलता है, क्योंकि जो एक घर है वो 360 डिग्री व्यू दिखाता है, सो लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीन, सब कुछ हर तरफ ग्रीन ग्रीन हो, पेड़ हो बहुत सारे। और ये एक छोटा सा एक नज़ारा है मेरे लिविंग रूम का, मेरे घर का। बहुत शौक है कुछ अच्छे अच्छे कोट्स का, ऐसी चीज़ें जो मुझे मोटिवेट करें, ऐसी चीज़ें जो कोई भी घर पर आए उसको मोटिवेट करें, तो ये सब बहुत ही क्यूट सी चीज़ें हैं। ये गुड वाइब्स ओनली, ड्रीम बिग लिटिल वन, यू आर अमेजिंग, ऐसी चीज़ें जो मुझे भी बूस्ट करें, मुझे मोटिवेट करें, एंड जो भी आए घर पर उसको सबसे पहले नज़र पड़े इसके ऊपर, एंड वो अच्छा फील करें। सो यही मेरा इसमें कोशिश थी, बहुत सारे ड्रीम है। आप लोग घर पे आए हो, ये भी मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक ड्रीम था कि मैं सास बहू और बेटियाँ के साथ में अपना पूरा दिन स्पेंड करूँ, तो शायद इसी को पढ़ के मैंने ड्रीम किया, एंड आप लोग सब यहाँ पर हैं। सो ये ड्रीम था, ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन आज एक ड्रीम तो पूरा हो गया। भाई अब घर घूम लिए, नाश्ता हो गया, अब बारी है वर्कआउट की, तो चलिए रोहित के साथ निकल पड़ते हैं उनके जिम की ओर। मेरे जिम में जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 5 साल तक वर्कआउट कर चुका हूँ, फिलहाल क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ तो बहुत कम टाइम मिलता है ये वाले जिम में आकर वर्कआउट करने का, बट आज हमने डिसाइड किया कि हम लोग वही जिम में जाके वर्कआउट करेंगे जहाँ पर मैं पिछले 5-6 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। सो बहुत इंटरेस्टिंग पूरा क्लब हाउस है। रोहित के घर से जिम तक जाने में लगता है पूरा आधा घंटा। इस आधे घंटे में रोहित ने सुनाई हमें अपनी कहानी। ग्राफिक डिजाइनिंग इन जयपुर, तो जैसे ही पोर्टफोलियो आया तो मैं ट्राई करने के लिए बॉम्बे आया, एंड आई गॉट माय फर्स्ट एड ऑन द सेकंड डे आई केम हियर। तो उस दिन के बाद ऐसा हुआ कि बॉम्बे ने बहुत अट्रैक्ट किया मुझे, और फिर मैं यहाँ पर एक बार आने के बाद फिर इधर ही रुक गया। ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। देन उसके बाद जूदा अकबर में आई असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर आशुतोष गोवारिकर, एंड मैं उसमें सेट पी ए भी था। आई यूज़ टू स्टैंड फॉर द लाइटिंग ऑल्सो फॉर जलालुद्दीन एंड सो मेनी थिंग्स यार। वहाँ से स्टार्ट हुआ, देन जूदा अकबर ख़त्म होने के बाद आई स्टार्टेड एक्टिंग, और
पाँच छः शूज करते करते आज इवेंचुअली मैं पोरस कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई जर्नी। अच्छा, लेकिन अभी वैसे अगर मैं कहूँ तो हाँ, रज़िया सुल्तान शायद सबसे करीब है मेरे दिल के, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है मेरा। मिर्ज़ा अल्तुनिया का कैरेक्टर प्ले करके मुझे बहुत मज़ा आया, और जितना लोगों ने उसको कैरेक्टर को प्यार दिया और आज भी दे रहे हैं। जयपुर के रहने वाले रोहित कैसे मुंबई पहुंचे और संस्कार लक्ष्मी, रज़िया सुल्तान और अब पोरस जैसे सीरियल्स में उन्होंने काम किया। वैसे घर से जिम तक के सफर के दौरान रोहित म्यूजिक सुनते हुए जाते हैं और ये होता है उनका टाइम पास। BMW वो मेरी ड्रीम कार थी जो कि मैंने 2 साल पहले खरीदी, तो दैट्स व्हाट आई सेड कि यार छोटे ड्रीम्स बनाओ, इतने बड़े ड्रीम्स बना के फायदा नहीं है जो पूरा होने में लाइफ टाइम ले ले। तो जब आप छोटे छोटे ड्रीम्स देखते हैं उनको पूरा करते जाते हैं ना, देन यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। तो म्यूज़िक सुनता हूँ और जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ एनालाइजेशन का जो टाइम मिलता है वो इसी टाइम मिलता है जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो। तो आई थिंक बस यही काम है यार सब लोग लाइक जो यूजुअली करते हैं, थोड़ा बहुत थिंकिंग प्रोसेस एंड देन म्यूज़िक, वही आपको सिग्नल हमारा खुल गया। आखिरकार हम पहुंचे रोहित के जिम और देखते हैं कैसा होता है उनका फिटनेस रूटीन। पहुंच चुके हैं मेरे जिम में, अभी हम लोग ऊपर जाएंगे एंड वर्कआउट करेंगे एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कैसे वर्कआउट करता हूं, क्या क्या बॉडी पार्ट्स करता हूं। आपको दिखाते हैं कि हम कैसे ट्रेन करते हैं। एलेक्जेंडर बनने के लिए उन्हें दिन रात स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसका नतीजा है ये तराशा हुआ बदन। सिकंदर यूनान का एक ऐसा राजा था जिसने पूरी दुनिया को जीता था, इसलिए रोहित ने इस लुक को पाने के लिए अपने फिजिक पर काफी मेहनत की है। और आज देखिए शर्टलेस होकर रोहित दिखा रहे हैं अपना ये कसरती बदन। महेश सर बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस इन्होंने इस बार करवाए हैं और क्या क्या हमने किया है। हालांकि ट्रेनिंग पहले भी कर रहे थे, बहुत ही सीरियस थे, बट ये शो आने के बाद हमने कुछ ज़्यादा टाइम निकाला। इन्होंने डाइट चेंजेस किए, अपने टाइम में से और ज़्यादा टाइम निकाल कर कार्डियो, स्विमिंग, ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया। हालांकि इनको डाइट जो था वो पहले बहुत थोड़ा बहुत चीट कर लेते थे, मगर इस बार ये इतना स्ट्रिक्ट थे और इतना एफर्ट डाल रहे थे कि एफर्ट आपको दिख रहा है। बट हाँ, थोड़ा सा मसल थोड़ा सा गेन किया है और एलेक्जेंडर के लिए बहुत ज़रूरी था जैसा कि मैंने पहले बताया। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस सर ने भी बोला, अभी थोड़ा सा डाइट को लेके और स्ट्रिक्ट हुए, थोड़ा सा वर्कआउट को लेके और स्ट्रिक्ट हुए, जिनके बाद थोड़ा कूल डाउन और अब वक्त है सास, बहू और बेटिया के जाने का। ये टाइम जब हम लोग एक्चुअली अलग हो रहे हैं और आज का हमारा दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ आज, सास बहू और बेटिया के साथ में। एंड मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं अपना पूरा दिन आज तक के साथ सास बहू और बेटिया के साथ स्पेंड करूँ एंड फाइनली ये पूरा दिन बिता कर मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। ये था मेरा रियल लाइफ का फ़न और मेरे रियल लाइफ और रील लाइफ के फ़न में डिफरेंस देखने के लिए और रील लाइफ को और एक्सपीरियंस करने के लिए स्टे ट्यून विद आज तक, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां पर। थैंक यू। तो उम्मीद है टीवी के अलेक्जेंडर यानी रोहित पुरोहित के साथ पूरा दिन बिताकर आपको इस हैंडसम मुंडे के लाइफ के बारे में छोटी छोटी अनजानी बातें पता चली हो जो शायद आपको ना पता हो। तो सीरत के आंगन में स्वागत कीजिए इस अलेक्जेंडर का जो आ रहा है अपने माचो लुक्स और अंदाज से आपका दिल चुराने। आकिब खान, मुंबई आज तक।